हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग अवेंजर्स क्राफ्ट स्काई ब्लॉक खेलने वाले। एंड ये हमारा एपिसोड 2 है। मुझे लगता है ये वाला एपिसोड आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं अवेंजर्स क्राफ्ट की सीरीज कंटिन्यू रखना चाहती हूँ गाइस, तो मैं कंटिन्यू रखती हूँ इसको। चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए। चलिए, अब मैं मेरे आइलैंड पर चले जाती हूँ। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेंजर्स क्राफ्ट का डिस्कॉर्ड की लिंक दे रख रखे है। आप वहाँ पे जाके डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं एंड कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं एंड मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, मैं सो गाइस, तो मैं मेरे अपने आइलैंड पर पहुँच चुकी हूँ। ये मेरा मिनियन जो ऑफलाइन भी काम कर रहा था, तो मैं जस्ट अभी पहुँची हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखो आप लोग कितने सारे इसने कॉबलस्टोन माइन कर लिया है। एंड अपन बाय करने चलते हैं, मुझे कुछ स्वॉर्ड्स चाहिए। और गाइस, ऑफलाइन मैंने है ना यहाँ नीचे मैंने कुछ ये खोदा था ताकि यहाँ पे मैं अपना स्टोरेज एरिया बना लूँ। यहाँ पे हम लोग हमारा ज़रूरी ज़रूरी सामान रखेंगे। एंड आज हम लोग कोल्ड मिनियन का सामान भी इकट्ठा करेंगे। तो गाइस, तो हम हब में पहुंच चुके हैं एंड ये लोड होगा थोड़ा, एंड लोड हो चुका है। एंड अब हमको जाना है गोल्ड माइन में, नहीं पहले हमको बाय करना है स्वॉर्ड्स। तो सो गाइस, तो ये क्या है भाई, मैंने ये क्या है, इसको खोल के देखते हैं कौन है ये। चोर लग रहा हूँ, पता नहीं क्या है ये। ओ गाइस, तो मैंने अपने सेटिंग में से वो कर रख रखा था, नेम नहीं दिखे, तो मैं उसको कर देती हूँ वापस से। मैंने गाइस यहाँ से इन गेम प्लेयर्स नेम कर दिए थे, तो वो आपको प्लेयर्स के नेम नहीं दिखेंगे, वो कस्टम इंचार्टमेंट से। ओके, तो हम लोग यहाँ से इसको दबाते हैं। अरे दब जा भाई। गाइस बाद में देखेंगे, हमको तो स्वॉर्ड लेने जा आए थे अपन यहाँ पे। एंड वेयर इज वेपन स्मिथ। सो गाइस, तो अपन वेपन स्मिथ की तरफ चल सकते हैं, चले जाते हैं। और ये रहा वेपन स्मिथ। सो गाइस, तो ये है हमारी वेपन स्मिथ। एंड इसको हम देते हैं, ये अपनों को अच्छे अच्छे वेपन्स देगा। एंड ये मुझे अच्छी लगती है ये एंड स्वॉर्ड। एक सेकेंड, एंड स्वॉर्ड अच्छी है और ये डैमेज भी ज़्यादा देती है। और क्या है, एंड स्वॉर्ड डील्स 100 डैमेज टू एंडरमैन, एंडर ड्रैगन एंड एंडर मेंस। ओके, सो गाइस, तो मैं एंड स्वॉर्ड खरीद लेती हूँ, अपनी लाइब्रेरी में लेती हूँ। ओह, मेरे पास पैसे नहीं है, पहले मैं बैंक में से निकाल लेती हूँ। कौन अब वहाँ जाए, इतना लैग हो रहा है। एंड ये भी मेरे पर्सनल बैंक। एंड गाइस, आज हम माइंस में अपन रेडस्टोन तक ढूंढेंगे। डिपॉजिट नहीं करना भाई, हमको निकालना है। विड्रॉ हाफ, 1000 निकलेंगे हमारे। एंड अब बाय करते हैं इसे एंड फिर वापस रख देंगे। एंड खुल गया, एंड एंड स्वॉर्ड ले ली हमने। सो गाइस, तो मेरे पास एंड स्वॉर्ड आ चुकी है। एंड अब मैं अपना जो है बैंक में वापस पैसे डाल देती हूँ। गाइस, मुझे पता चला यहाँ पे बाज़ार भी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हम बाज़ार को नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या क्या उसमें अपन बेच सकते हैं। तो बाज़ार में आपको अभी बताऊंगी ग्रेवियर्ड्स आके कि कैसे चीज़ें सेल कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं। तो ग्रेवियर्ड का रास्ता बता दूं मैं आपको, माइन मर्चेंट के पास यहाँ से ऐसे ऐसे सीधे सीधे जाना है, वो जो सामने दिख रहा है ना आपको वहाँ जाना है। एंड मुझे फॉलो कर लेना। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो देख लीजिए। सो गाइस, तो ये है ग्रेवियर्ड का रास्ता। एंड
बड़ी डरावनी फील आ रही है यहाँ पे। एंड गाइस मेरी एक मनी ट्रिक भी है, मैं आपको बता दूँ, एक और मनी ट्रिक लाई हूँ मैं। एंड यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ग्रेवियार्ड। गाइस मेरे पास एक मनी ट्रिक भी है, आप मॉब को मारेंगे ना तो आपको मॉब को मारेंगे ना आप तो आपको मिलेंगे कॉइन्स, मिलेंगे आपको पैसे मिलेंगे। मेरे को मॉब तो दिख नहीं रहा, ये शायद से मॉब दिख ही नहीं रहा, मुझे कोई भी मॉब नहीं दिख रहा गाइस यहाँ पे। अच्छा रात होएगी फिर आएंगे यहाँ। अरे यहाँ कहाँ अटक गई, क्या है, अरे आओ ना भाई, कहाँ है सारे लोग, हम आगे चलते हैं, वहाँ पर होंगे मॉब्स। अरे यार लेवल बढ़ाओ पहले। सो गाइस तो मैं आपको लेवल बढ़ाने पर बढ़ाने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस तो मैं अपने लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ। सो गाइस तो पहले मैं आर्मर खरीद लेती हूँ, क्योंकि जब तक मेरी लेवल नहीं होएगी वो वहाँ पे जाने नहीं रहेगा, मैं गोल्ड माइन में ही लेवल बढ़ाने होंगी लैपिस क्वेरिल में। यार आर्मर स्मिथ माइन मर्चेंट के पास में है, पीछे मेरे पास 0 कॉइन थे वरना मेरे पैसे तो चले जाते हैं। अच्छा हुआ और भाई डैमेज अच्छा दे रही थी टायल। एंड अपन 1 लेवल कर लेंगे फिर चलेंगे अपन ग्रेवियार्ड साइट, एंड उसके आगे पता नहीं क्या है उसमें चलेंगे। अरे अरे बुड्ढे चाचा है ये तो इसके पास जाते हैं तो इसको खोलते हैं। हाँ भाई अभी बात कर लेना तो पहले हमको एक आर्मर दे। अरे यार पहले बैंक में से पैसे निकालो, शायद से मेरे 2000 आर्मर आ पाएगा। मैं पैसे निकाल लेती हूँ, अपने पैसे निकाल लिए एंड अब इससे आर्मर खरीदते हैं, बाय करते हैं। हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, बूट्स, ओके आ चुका है हमारा पूरा आर्मर। अब हम हमारे पापा से डिपॉजिट कर देते हैं मनी जितने बची है। सॉरी गाइस फॉर बैड वॉइस, गाइस मेरा गला अभी मैं थोड़ी बीमार हूँ, मुझे खांसी हो चुकी है तो मेरी थोड़ी बैड वॉइस आ रही है तो आप एडजस्ट कर लेना। सो गाइस तो अब हम पहले माइन में चलते हैं, वहाँ से लेवल बढ़ाते हैं फिर आते हैं। चलो पहले माइन ही पूरी एक्सप्लोर कर लेते फिर चलेंगे, मॉब भी मारते जाएंगे वो भी होती जाएगी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब आर्मर। अच्छा तो अब हमारा आर्मर है, अब हमको डरने की जरूरत नहीं है मॉब से, हम ऐसा उसका चटनी बनाएंगे चटनी के। बस लिफ्ट ऑपरेटर से चलते हैं तो उधर लैपिस माइनर, इस लैपिस माइनर कहाँ है, इधर शायद से है, मैंने इधर देखा था, अपन उधर से चलेंगे। ओके हम आ चुके हैं लैपिस क्वेरी में। एंड वेयर इज मॉब्स, आजा आजा बेटे मुझे मार दे, चले चले इतना कम लेवल है तेरा, मेरा सामना मत लेना। देखो गाइस मुझे 10 रुपीस मिला, ऐसे करके आप मनी कमा सकते हैं। एंड अब मेरे को चलना है रेडस्टोन माइन, गाइस हम रेडस्टोन माइन तक ही चलेंगे। तो गाइस तो मैं ये 64 करके मिलती हूँ, 50 करने के ऊपर मुझे अपनी लैपिस की लैपिस मिनियन की रेसिपी मिल जाएगी। और आज का गोल ये भी है मेरा, लैपिस मिनियन बनाना है मुझे आज, तो बहुत जल्दी हो जाता है ये। बहुत जल्दी माइन हो जाते हैं लैपिस, गाइस 50 हुआ है अभी तक नहीं आया रेसिपी का, शायद थोड़े और माइन करना पड़ेंगे। चेक कर लेते हमारी लैपिस मिनियन की कब रेसिपी अनलॉक होगी। लैपिस बॉटल रेसिपी सेकंड लेवल पे जाएंगे तो, एंड लैपिस थर्ड एन्चेंटेड लैपिस रेसिपी फिफ्थ, नो रिवॉर्ड एन्चेंटेड बुक ऑफ लैपिस एंड टिक बॉटल। गाइस ये आप लोग को वो तो दिख ही नहीं रही है लैपिस की रेसिपी।
मिनियन नहीं आते, एक बार कभी आ गई हो हमारी रेसिपी रेसिपी बुक में जाएंगे एंड देन मिनियन रेसिपी। कोबल स्टोन ही आया है गाइस, गाइस अभी मैं और माइन करती हूं। सो गाइस तो मेरी शायद से वो हुई ये रेसिपी अनलॉक। देखते हैं मैंने करीब मैंने 3 स्टेप माइन करे। माइनिंग फॉर्चून विद इंक्रीज योर सेल मल्टीपल वन ऑफ, अरे यार ये फालतू का। गाइस चलो अब हम रेडस्टोन माइन चलते हैं। रेडस्टोन माइन ढूंढते हैं अपन, पहले नीचे नीचे जाना है। मिल गई गाइस ये रही हमारी रेडस्टोन माइन। एंड गाइस अगले एपिसोड में आपको कुछ नई नई मनी ट्रिक्स एंड मिलेगी। एंड अब हम ये देखो हमारे इसके पास अनलॉक हो गई है, सारी रेडस्टोन माइन अनलॉक हो गई है। एंड चलते हैं अब हम ग्रेवयार्ड, तो इधर फास्ट ट्रैवल करते हैं। कोल माइन क्वाम एंड नबा, हमको हमें जाना था वहाँ से पहले। चलो अब मैं हम पहुँच गए हैं। एंड इन नेक्स्ट एपिसोड में गाइस मैं बताऊंगी आपको कि वो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं अपने कोई से भी फ्रेंड से कुछ भी आप सकते हैं। एंड गाइस अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ बाजार में से सेल और बाय कैसे करना है। तो मेरे पास आपके पास मनी होना चाहिए तो ही आप ले पाओगे, या तो सब तो बाजार खोल लेना। जैसे कि अभी मुझे चाहिए लैपिस, तो मैं लैपिस को अपनी इन्वेंट्री में लेती हूँ। एंड ये कुछ ज़्यादा है यहाँ पे लैपिस, इंजेंटेड लैपिस भी है यहाँ पे, तो हम को एक ही लैपिस चाहिए तो हम ले लेते हैं। एंड ये लैपिस बता रहा है ग्रेट सेल ऑफर एंड से आते हैं।
पहले चेक करते हैं 45 फुट। ओह अच्छा, ये फुल होएगा ना, फिर ये करेगा। तो उसके चेस्ट में डाल देते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? चुके कब स्पॉन होंगे सारे, पूरे लीव्स ही लीव्स हैं यहाँ।
देख सकते हो आप, ये किसकी चेस्ट है। चलो अपन आगे चलते हैं, वहाँ की वुड तोड़ते हैं। ओ गाइस, ये ज़्यादा देती है अपने को एफिशिएंसी वाली। एक वुड तोड़ेंगे आपको बहुत सारी देगी, ये वाली अच्छी है, आपको ज़्यादा देगी ये। एंड अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर अपन एफिशिएंसी एक्स का ट्राई करते हैं। अरे चल भाई, चल गए यहाँ के भी गायब है। कौन है यार, सब दूर में गायब कर दिए क्या? नीचे चलते हैं, पता नहीं कौन सा नीचे, मैं इनके ओनर से बात करूंगी अवेंजर्स क्राफ्ट के। पता नहीं कौन एफिशिएंसी, मुझे तो अच्छी ये वाली लगी, रॉकी एक्स अच्छी लगी। एंड अब हम कस्टम एन्चेंटमेंट्स देख लेते हैं। कस्टम एन्चेंटमेंट में What the hell? क्या ये गाइस, ये मुझे बार बार गिरा देते हैं। कस्टम एन्चेंटमेंट्स कहाँ है, ये रहा। खुल जाना भाई, मेरी बेइज्जती मत करवा देना। Thank you.